गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। हम लोगों ने आपके सब्जेक्ट ME 303, जिसका नाम है हीट थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र, के वीडियो लेक्चर्स पे वर्क किए रहे। सो इसके अंदर लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि हम लोग बात कर रहे थे कंडेंसर, स्टीम कंडेंसर्स के बारे में, जिसमें हमने जेट कंडेंसर्स के जो टाइप्स थे वो हमने देखे थे। जो टाइप्स हमने देखे थे जेट कंडेंसर्स के, लो लेवल टाइप जेट कंडेंसर, हाई लेवल टाइप जेट कंडेंसर और इजेक्टर टाइप जेट कंडेंसर। अब स्टूडेंट्स, हम इसके आगे बढ़ाते हैं। जो सेकंड टाइप ऑफ कंडेंसर्स थे वो थे सरफेस कंडेंसर्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सरफेस कंडेंसर्स की या फिर नॉन मिक्सिंग टाइप कंडेंसर्स की। बेसिक जो आपको आइडिया मैंने दिया था जब स्टार्टिंग में हमने क्लासिफिकेशन किया था कि जो सरफेस टाइप कंडेंसर्स होते हैं ये नॉन मिक्सिंग टाइप होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे जो दोनों फ्लूड हैं आपके, एक तो स्टीम एग्जॉस्टेड स्टीम है और आपका जो कूलिंग वाटर है, वो दोनों मिक्स नहीं होते हैं और बिना मिक्स हुए, बिना कॉन्टेक्ट में आए, वो अपना हीट ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें आज हम और अच्छे से इसका एक आपको बताएंगे कि कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे इसमें फ्लो होता है और किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जो इसका एक स्कीमेटिक व्यू है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में। सो पहले इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। सो ये वही है स्कीमेटिक व्यू, मैं आपको बताई दिया कि अगले स्लाइड में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो एक बार थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि क्या होगा इसके, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो वो है, इट कंसिस्ट ऑफ एन एयर टाइट सिलेंड्रिकल शेल क्लोज्ड एट ईच एंड। ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेल है, एयर टाइट है बिल्कुल, दोनों साइड से क्लोज रहेगी वो। इन नंबर ऑफ पैरेलल ब्रास वाटर ट्यूब्स आर फिटेड इन द ट्यूब प्लेट्स विच आर फिक्स्ड बिटवीन ईच कवर हेड एंड द शेल। ये आपको देखिए क्या है कि डायग्राम से थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर डायग्राम पर वर्क करेंगे। बट हमें बेसिक एक आइडिया लग रहा है यहाँ पे कि क्या है, एक शेल है जो दोनों साइड से कवर्ड है, आपकी एयर टाइट है। उसके बाद क्या है, उसके अंदर पैरेलल ब्रास की वाटर ट्यूब्स लगी हुई हैं ट्यूब प्लेट्स पे और वो फिटेड है दोनों साइड से, कवर हेड से और शेल से। ठीक है, एंड द स्पेस बिटवीन द ट्यूब प्लेट्स एंड द कवर हेड इज नॉन एज वाटर बॉक्स। और जो दोनों के बीच में स्पेस है ट्यूब प्लेट और कवर हेड के बीच में, उसे हम वाटर बॉक्स कहते हैं। ए बेफल प्लेट पार्टीशंस द वाटर बॉक्स इनटू टू सेक्शंस। अब देखिए, वाटर बॉक्स जो है उसे भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, वो हम एक बेफल प्लेट की हेल्प से कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं ये आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा, फिगर में हमको क्लियर भी होगा, या आगे भी बता रखा है। अब देखिए होता क्या है वर्किंग में, इसमें द कूलिंग वाटर एंटर्स द शेल एट द लोअर हाफ सेक्शन एंड फ्लोज इन वन डायरेक्शन। लोअर हाफ सेक्शन, जो बेफल प्लेट से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, उसमें लोअर हाफ सेक्शन से वो एंटर करता है और उसके बाद वो रिटर्न करता है अपोजिट डायरेक्शन में थ्रू अपर हाफ, अपर हाफ से वो एग्जिट करेगा और वो कंडेंसर से, और इस तरह से क्या होगा, वो आउटलेट से निकल जाएगा। अब इस टाइप के कंडेंसर में क्या होता है कि वाटर जो होता है दो बार ट्रेवल करता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं टू पास कंडेंसर। तो अब इसको और अच्छे से देखिए, अभी तो आपको थोड़ा आइडिया लगा नहीं होगा, मैं आपको फिगर से समझाता हूँ, जो इसका स्कीमेटिक व्यू है वहाँ पे आपको पूरा अच्छे से आइडिया इसका लग जाएगा। तो वो नेक्स्ट लाइन में, तो ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था आपको, स्कीमेटिक व्यू ऑफ सरफेस कंडेंसर। अब इसको अच्छे से आप समझिए, देखिए क्या क्या है इसके अंदर। इसमें आपका सबसे पहले तो बात करेंगे, ये शेल है, ये शेल देखिए, ये पूरा दोनों साइड से ये एयर टाइट ये कवर्ड रहती है। ठीक है, इसके अंदर आपकी ये जो ट्यूब प्लेट्स हैं, ये देखिए ये ट्यूब प्लेट रही आपकी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ब्रास की ट्यूब्स, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये जो है ये ब्रास ट्यूब्स हैं, ये ब्रास ट्यूब्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं आपकी किससे, ट्यूब प्लेट से दोनों साइड से। और इसके अलावा ये वाटर बॉक्स देखिए आपका, ये वाटर बॉक्स आपका एक है यहाँ पे, ये अनडिवाइडेड है, और ये वाला जो वाटर बॉक्स है आपका, ये डिवाइडेड वाटर बॉक्स है। दो तरह से होते हैं, किससे डिवाइड किया था हमने, आपको बताया था मैंने, एक बेफल प्लेट लगाते हैं हम लोग। ठीक है, अब होगा क्या, वही चीज़ इसका एक बार वर्किंग देख लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए,
ट्यूब प्लेट कवर हेड ये सारा आपको क्लियर है। अब देखिए कूलिंग वाटर इनलेट, मैंने आपको बताया था कि लोअर हाफ सेक्शन से वो एंटर करेगा, तो यहाँ से क्या है आपका जो कूलिंग वाटर है वो इनलेट इनलेट आता है, यहाँ से इन ट्यूब्स के थ्रू उसमें मूव करता है और यहाँ से ये वापस निकल जाता है, जो अपर हाफ सेक्शन से ये कूलिंग वाटर बाहर निकलता है। तो इस तरह से ये देखिए दो बार ट्रेवल करता है, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, इसीलिए हमने इसका क्या नाम दिया था, टू पास कंडेंसर। अब बात कर रहे हैं कि कूलिंग वाटर तो आ गया, लेकिन स्टीम कहाँ से आ रही है, हमारी जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो कैसे आ रही है, वो आ रही है हमारी यहाँ से टॉप से। देखिए एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन, यहाँ से वो आएगी और वो इस शेल जो ये है ट्यूब्स के जो आसपास स्पेस है यहाँ से वो फ्लो करती हुई यहाँ से वो कंडेंसेट होके निकल जाएंगी। होगा कुछ नहीं, यहाँ से जब स्टीम आ रही है आपकी तो वो इन ट्यूब्स पे कॉन्टेक्ट करेगी, ये ट्यूब्स में कूलिंग वाटर है तो ये ठंडी रहेंगी, ये आपस में अपना हीट ट्रांसफर करेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, देखिए जो वाटर है वाटर से अपनी हीट यहाँ तक बाउंड्री तक कन्वेक्शन के थ्रू जाएगी, फिर बाउंड्री के अंदर जो रहेगा वो कंडक्शन होगा, उस कंडक्शन से वो बाहर आएगी किसके थ्रू, अपनी कन्वेक्शन के थ्रू। तो यहाँ से ये कन्वेक्शन होके ये हीट ट्रांसफर होके जो स्टीम है वो कंडेंसेट की फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगी और जो वाटर है वो वापस यहाँ से आउट होके कूलिंग वाटर में चला, कूलिंग टावर में चला जाएगा या फिर कूलिंग पॉन्ड में या सोर्स में जहाँ पे भी इसे भेजना होगा हमें वो चला जाएगा। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं सरफेस कंडेंसर है, इसमें दोनों जो है वो बिना मिक्स हुए अपना हीट ट्रांसफर कर रहे हैं और ये वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप पूरा ये फिगर देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, अगर आप बनाना भी चाहेंगे सिंपल, आप एक शेल बनाइए और उसमें बैफल ये ट्यूब प्लेट्स लगा के बीच में ट्यूब्स लगानी है, ये एयर पंप होता है देखिए बीच में, एयर पंप एयर रिमूव के लिए होता है ये, और इस तरह से ये एक डिवाइडेड सेक्शन होगा वाटर बॉक्स का और एक अनडिवाइडेड सेक्शन होगा। सो आगे देखते हैं इसमें और इसकी वर्किंग के बारे में क्या आइडिया दे रखा है हमें। द एग्जॉस्ट स्टीम फ्रॉम द टर्बाइन एंटर्स एट द टॉप ऑफ द कंडेंसर एंड सराउंड्स द ट्यूब थ्रू विच कूलिंग वाटर फ्लोज अंडर द फोर्स, वही चीज मैंने आपको बताई। द स्टीम कंडेंसेस व्हेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द ट्यूब्स, द वाटर गेट्स वार्म्ड इन द कंडेंसर इज डिस्चार्ज्ड इनटू द कूलिंग वाटर टावर रिवर और कूलिंग पॉन्ड, जहां पे भी उसको हमको भेजना है। द कंडेंसेट इज टेकन आउट फ्रॉम द कंडेंसर, अब जो कंडेंसेट होगा जो स्टीम से कंडेंसेट बन चुका है वो आपको कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू उसे हम बाहर निकाल लेंगे। एयर इज रिमूव्ड बाय एन एयर एक्सट्रैक्शन पंप, ये आपको पहले ही मैं समझा चुका हूँ कि एयर जो होगी वो एयर एक्सट्रैक्शन पंप के थ्रू ही निकाली जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा आपका कि सरफेस कंडेंसर्स के कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, कैसे इसमें ट्यूब्स और शेल बना होता है जिसके थ्रू वो दोनों बिना कॉन्टेक्ट में आए आपके हीट ट्रांसफर करते हैं। अब सरफेस कंडेंसर्स के भी क्लास फर्दर क्लासिफिकेशन है जो है कि आपको बताया भी था, इन्वर्टेड फ्लो टाइप, डाउन फ्लो टाइप, सेंट्रल फ्लो टाइप, तो इवोपरेटिव टाइप, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।